सो गाइज, हमारे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बहुत जल्द अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च होने वाला है, जो कि एंड्रॉयड और iOS दोनों ही तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को टक्कर देने वाला है। बात करें एंड्रॉयड की, तो इसमें इसका जो मार्केट में परसेंटेज है वो 97% इसने कैप्चर किया हुआ है इस ऑपरेटिंग सिस्टम ने। वहीं बात करें iOS की, तो इसने काफ़ी कम दबदबा है इसका मार्केट में। तो गाइज, यहाँ जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम की बात आती है तो हमें सिक्योरिटी को लेकर सबसे बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वहीं बात करें एंड्रॉयड की, जिसने मार्केट काफ़ी ज़्यादा कैप्चर की हुई है, लगभग 97% मार्केट इस ऑपरेटिंग सिस्टम ने कैप्चर की हुई है। तो बात करें इसके सिक्योरिटी की, तो जितनी बार भी इसमें बदलाव किए गए हैं तो उतनी बार ये अपने सिक्योरिटी के मामले में फेल हुई है। वही बात करें अब सरकार द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यहाँ जैसे ही हमारा एक देसी ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है तो ये एंड्रॉयड और iOS दोनों ही तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को कड़ी टक्कर देने वाला है। और हमारा अपना इंडियन ऑपरेटिंग सिस्टम होने के बाद गाइस, हमें सिक्योरिटी को लेकर के और हमारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमारे स्मार्टफोन में होती है तो वो सब भी सिक्योर रहेगी। सो गाइस, इस जो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम होने वाला वो INDOS, जी इंडियन नेशनल डेटाबेस OS ऑपरेटिंग सिस्टम जो इसका नाम होने वाला है, जो कि बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। तो बहुत जल्द जैसे ही ये आता है तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तो ये एक इन्फॉर्मेशन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी आपके लिए, कि अब बहुत जल्द आपको एक नया ऑपरेटिंग, हमारा देसी ऑपरेटिंग सिस्टम जो बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस आपके प्यार के लिए। थैंक यू।